फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, तो मेरी नहीं तो किसी की नहीं काट। नहीं दो दिन पहले नहीं, तुम्हें कम से कम 15 दिन पहले आने पड़ेगा। तुम्हारे ममेरी बहन की शादी है, देखना मेरी बेटी की शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगी, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। रखती हूँ अब। हाँ दी, तुमने न्यूज देखी? चारों तरफ तुम्हारी ही न्यूज चल रही है। काजल शर्मा is getting married to अतुल सिंह। और पता है सब पागल हो गए हैं। देखो सब तुम्हारे ऊपर रील बना रहे हैं। दिखा काजल शर्मा के आउटफिट ये वो। हाँ शोभा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? क्या हुआ माँ? शोभा बहुत बकवास कर रही है तुम्हारे बारे में, कि ये न्यूज वायरल हो रही है कि तुम गंदी फिल्मों में काम करती हो और काम पाने के लिए प्रोड्यूसर्स के साथ। दी, 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 तुम्हारी फोटो वायरल हो रही है वो भी बिना कपड़ों के। दिखा माई, माई मेरी फोटो नहीं है माँ, माई किसी ने मेरी फोटो को मॉक किया है। मैं कसम खा के बोल रही हूँ कि मेरी फोटो नहीं है माँ। अरे आप कुछ नहीं कर सकते का क्या मतलब है? बाहर मेरी इमेज खराब हो रही है, आप मेरी पीआर एजेंट है ना, मेरी इमेज को बनाए रखना आपके हाथों में है। मैं आपसे 1000 बार बोल चुकी हूँ कि वो मेरी फोटोज नहीं है, किसी ने फोटोशॉप करी है। हाँ बहन जी, नहीं बहन जी आप ऐसा नहीं कर सकती। मैंने बोला आपसे मेरी बेटी ने कोई गंदी फिल्म नहीं की, ना उसका कोई भी संबंध है किसी भी प्रोड्यूसर से, आप शादी नहीं तोड़ सकती। अतुल की फैमिली ने तेरी और अतुल की शादी तोड़ दी। घटिया लड़की गंदी फिल्मों में काम करती है, पूरे समाज को खराब कर रही है। ठीक बेटा, बेटा तू ठीक तो है? कौन थे वो लोग? काजल,
चली गई ये लड़की? अरे हम सब बाहर कितनी मस्ती कर रहे थे, अचानक से अंदर क्यों आ गई तू? ऐसे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रही है तू? मुझे बहुत डर लग रहा है अंजलि, 4 साल पहले जो मेरे साथ हुआ था, अगर वो फिर से हुआ तो माँ सह नहीं कर पाएगी। उनको इतनी मुश्किल से इस नर्क से निकाला था, अगर उनको कुछ हो गया तो। किसी को कुछ नहीं होगा, क्यों इतना परेशान हो रही है तू? और इस बार तो तेरी शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, कैसे कुछ होगा? परेशान मत हो, हाँ कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे कोई इकोनॉमिकल पैकेज नहीं चाहिए, मेरी बेटी की स्किन बहुत सेंसिटिव है। नहीं देखिए, मेकअप बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और जो डिजाइन बनेगा मेहंदी का वो भी नया होना चाहिए। आप बस बुकिंग ले लो। हेलो, आई एम सॉरी बट आप ये बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। क्या करिए, बुकिंग तो करने दे, काम खत्म हो जाएगा। मम्मा मैंने आपसे कहा था ना कि शादी में कोई नहीं आना चाहिए। अरे कोई कहाँ आ रहा है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जानने वाला नहीं। बता मेकअप नहीं लगेगा क्या, मेहंदी नहीं लगेगी? आंटी आप क्यों इतना टेंशन ले रही हो, मैं हूं ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और इसका मेकअप भी होगा, मेहंदी भी लगेगी और हल्दी भी। अब बिल्कुल परेशान मत होइए। थैंक यू। तुझे ससुराल में प्यार ही प्यार दे। मैं हाथ धुल के आती हूँ। बस, 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 बस। अरे आंटी ऐसे कैसे, हमारी दुल्हन का कलर भी तो निखरना चाहिए। नहा ले। माँ घर में तो पानी ही नहीं आ रहा है। हाँ तो अब क्या मैं पूरे दिन ऐसे बैठूं? अरे तो क्या हो गया, मेरे घर चल के नहा ले। चल चल। ये रहा बाथरूम, ये टॉवल और शैम्पू और साबुन तुझे बाथरूम में मिल जाएगा। ती किसी का साबुन और टॉवल यूज नहीं करती। हाँ हाँ तेरी दी बहुत बड़ी सुपरस्टार है ना। अब जाइए प्रिंसेस, नहा लीजिए। पानी पूरी। ए, गोलगप्पे वाला आया है बाहर, खाएगी? हाँ चल। मेरे लिए पैक करवा के लाना। ओहो हमारी प्रिंसेस गोलगप्पे भी खाती है। ले आऊंगी ले आऊंगी। हाँ जी, तो फाइल मैं आपको कल सुबह तक पहुंचा दूंगा। या ओके, या थैंक यू। हाय। हाय। तुमसे तो कभी बात ही नहीं हो पाई। कुछ था ही नहीं ऐसा बात करने के लिए। By God, इससे अच्छे गोलगप्पे कोई नहीं बना सकता। ये ले, तेरे लिए भी लाई हूँ। आ जा, जल्दी से खा ले। का जल्दी से आ जा, फिर आज तेरे संगीत में धूम मचाना है। आ ले जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल, तो देखने में इतने टेस्टी लग रहे हैं। Thank you.
सवेरे कुछ नहीं खाया है, ये ले जूस पी ले। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें, कितना वेट और करना होगा। अरे जीजू, मेरी दीदी इतने जल्दी जाने वाली नहीं है, आप एक काम करो, आप भगा ले जाओ। बदमाश कहीं। मुझे भी। तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है शादी करने की। मैडम, कभी आईने में खुद को देखा है फुर्सत से? जिसकी होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत हो, उसे शादी की जल्दी भी ना हो। जब एक साल पहले मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था ना, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि एक साल बाद मेरी तुमसे शादी हो रही होगी। ज्यादा ही नहीं हो रहा। मैं रखती हूँ फोन। बाय बाय। अंजलि के बाथरूम का वीडियो है ना, ये वीडियो मेरा पीयूष ने बनाया। नहीं पहचाना तुमने, तुम्हें तुम्हारा अधूरा प्यार पुकार रहा है, तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा अभी। Grindworld, सिर्फ शेमारू टीवी पर।